सीएम अरविंद केजरीवाल इसी तिहाड़ जेल में तो पहुंच गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी भी उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। ऐसे में क्या वो जेल के अंदर से ही दिल्ली सरकार चला पाएंगे? और तिहाड़ जेल का जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक वो यहाँ पर एक सामान्य कैदी है और उन्हें यहाँ से दिल्ली की सरकार चला पाना संभव उनके लिए नहीं होगा। और यहाँ के तिहाड़ जेल के जो पूर्व जेल अधिकारी हैं उनका भी ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल को जेल के नियम फॉलो करने ही होंगे। शराब घोटाले में भले ही केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच गए हों, लेकिन अभी तक उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। सीएम केजरीवाल को लगता है कि वो तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से तो केजरीवाल कैदी हैं। मैनुअल के हिसाब से क्या लगता है कि संभव है कि जिस तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पे, तो सरकार चलाना संभव होगा वहाँ से? देखिए, मेरे हिसाब से संभव नहीं होगा, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का काम खाली कोई फाइलें साइन करना नहीं होता, कैबिनेट मीटिंग भी करनी होती है, हायर ऑफिसर्स होते हैं उनसे भी मिलना होता है, आपको पब्लिक को भी मिलना होता है, उनकी ग्रीवांसिस को आपको सुनना होता है, उसके अलावा आपको साइट विजिट करनी होती है, मिनिस्ट्री में मीटिंग्स होती हैं वहाँ जाना पड़ता है, आपको LG से मीटिंग होती है वहाँ जाना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप कस्टडी में हो, जुडिशियल कस्टडी में हो, तो ये चीज़ नहीं हो सकती बिना कोर्ट की परमिशन के। रोज रोज तो आप कोर्ट की परमिशन लोगे नहीं, तो इसलिए बहुत मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है जेल से सीएमशिप चलाना। ये तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से सरकार नहीं चला पाएंगे, क्योंकि रोज रोज कोर्ट से ऑर्डर लेना उनके लिए भी मुश्किल साबित होगा। जेल मैनुअल के मुताबिक सीएम केजरीवाल को भी तिहाड़ जेल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि जब केजरीवाल तिहाड़ जेल से सरकार नहीं चला पाएंगे तो इस्तीफा कब देंगे।